गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 6 का चैप्टर नंबर भी 6। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज। आपका सबक नंबर 6 है, इसमें हम रे, रे, जी और जे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये सब कैसे बनते हैं, अगर हम बात करें तो सिंपल सा, देखिए दाल हमने बनाया था, दाल को हम ऐसे गोल करके बनाते हैं पिछली वीडियो में, है ना। लेकिन रे जो है ये ऊपर से सीधा होके ऐसे आता है, ठीक है। जिस तरह से दाल पे नुक्ता रखने से वो जाल बन जाता था, ऐसी रे है, रे के ऊपर अगर आप नुक्ता रख देंगे तो वो जे बन जाएगा, और अगर तीन नुक्ते रख देंगे तो वो जे बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ उसके ऊपर छोटी सी तोय बना देंगे इस तरह से तो वो रे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए रे से क्या है, रेडियो। रे से क्या है, रस्सी, ठीक है। रे क्या होता है बेटा, ये बीच में आता है, किसी लफ्ज़ के साथ मिल के ये कुछ बनाता है, कोई लफ्ज़ रे से एग्जैक्टली शुरू नहीं होता है, ठीक है, इसलिए रे खाली होता है। अगर हम जे से बात करें तो देखिए जे से जेवर होता है और जे से जीना होता है, ठीक है। इसके बाद जे से बात करें तो जे से जिराफ होता है ना, और जे से जालाबारी होता है ना। जालाबारी मतलब क्या होता है, बारिश, बर्फ़ का गिरना, है ना, जालाबारी, ठीक है, यानी बर्फ़ का गिरना। अब देखिए ये हम पढ़ेंगे, इन्हें आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसको बार बार मशक कीजिए, समझ समझ के पढ़िए, है ना। अगर आप इसे समझ समझ के पढ़ेंगे तो आपको आगे भी रीडिंग में आसानी होगी, है ना, क्योंकि 6th क्लास की उर्दू की बुक बहुत आसान होती है और 7th क्लास की एकदम ही बहुत मुश्किल हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ते चलिए। देखिए रे के साथ अलीफ है और ते, रात, राज, राजा, बारात, तारा, पूरी, खैरात, तारा, नहीं सॉरी, तार, आर, पार, चार, जाड़ा, जोड़ा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, देखिए चूड़ी, फिर क्या लिखा है, जोड़, तोड़, दौड़, है ना, जोर, जेबा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आगे लिखा है, देखिए बाजार, वर, रोजी, बाज, दराज, आवाज, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, तेरा, तेज, पेड़ा, खैर, बेड़ा, है ना, पैर, तैर, तेज और पेड़, ठीक है। इसे तीर भी पढ़ सकते हैं आप। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दो और दो चार, राजू चार नान दे दो, नाज तेज दौड़ो, तारा ऊदी चूड़ी दो, जेबा बाजार जाना, दो जोड़ी जूते दो, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। अब मश्क में आपको क्या करना है, इन हरफों को दोबारा से लिखना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया ऐसे रे बनाना है, तो 5 टाइम्स आप ऐसे रे बनाएंगे, ठीक है। अगेन रे है तो आपको ये भी 5 टाइम ऐसे बनाना है, फिर जे है इसको भी 5 टाइम बनाना है, फिर जे है इसको भी 5 टाइम्स बनाना है, ठीक है। 5-5 बार आपको इन सबको बनाना है, आप बना लीजिएगा। इसके बाद इन सारे अल्फाजों को दोबारा दोबारा लिखना है 5 टाइम्स। देखिए ऐसे लिखेंगे, बे अली ज़बर बा, जाल अली ज़बर ज़ा, और रे बाजार, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 बार आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, जाल, ये, बे, अलीफ, ज़ेबा, फिर ऐसे देखिए जीम, फिर ऐसे वाओ जो, फिर ऐसे देखिए रे और ये रड़ी जोड़ी, फिर देखिए ऐसे पे, ये और ऐसे करके रे और फिर ये अलीफ पेड़ा, ठीक है। फिर देखिए खे, फिर ऐसे करके ये और रे, फिर इसी के साथ अलीफ और ते खैरात, ठीक है। तो इस तरह से आप 5-5 टाइम्स लिख लीजिएगा। अब देखिए ब्रैकेट में आपको क्या करना है, यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा इन सब में से। तो आप जोड़ के देखिए, ये लिखा है जा, तो बताइए जा जा होगा, जा रा होगा या जा रा, तो आपको पता चल गया मैडम जा रा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप इसे जोड़ के लिख दीजिए, जी मरी जब जा डे जबरला जा रा, ठीक है। इसी तरह से देखिए अलीफ मज़बर आ, फिर दा, अलीफ दाल और ये, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी आज़ादी, क्या हो जाएगा आज़ादी। तो यहाँ पे रे था, यहाँ पे जाल है, ठीक है, आ जा दी, ठीक है। इसी तरह से देखिए बे अली ज़बर बा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा रे, तो क्या हो जाएगा बे ज़बर बा, रे अली ज़बर रा और ते बारात, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि इसमें ना रे के ग्रुप का जो भी है उसे आपको निकाल के अलग कर देना है। देखिए इसमें रे है, इसमें रे है, इसमें जे है ना, इसमें क्या है, इसमें भी रे है, इसमें क्या है, इसमें भी जे है, और इसमें क्या है, रे है। ठीक है, जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है तो इस तरह से नीचे खींच के चला जाता है। ठीक है, अकेला होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, और जब किसी के साथ जुड़ जाएगा तो ऐसे नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, तो इन्हें अलग लिखना था। अब तस्वीर देखकर तस्वीरों के नाम लिखने हैं, तो ये क्या है, चूड़ी, चे वापस चू, रे ये जेडी चूड़ी। फिर ये क्या है, इसे आप रात भी कह सकते हैं, रेल जवर रात ये रात, और इसे तारा भी कह सकते हैं, तेल जवर तार, रेल जवर रात तारा, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आरी है ना, ये क्या है, तराजू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये वीडियो आपकी यहाँ फिनिश होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ तब चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।